सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत जोधपुर में शूटिंग के दौरान खराब हो गई, जिस वजह से मुंबई से डॉक्टरों की टीम और एक चार्टर्ड प्लेन को उनके लिए मंगवाया गया। माना जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से उनके सभी फैंस बेहद चिंतित हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे गंभीर माहौल में हम आपको एक ऐसी खबर देने वाले हैं जो कि उनके ज्यादा फैंस को मालूम नहीं होगी। वैसे तो अमिताभ बच्चन के करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन इन लोगों में से गिने चुने लोगों को ही ये पता है कि अमिताभ बच्चन आज अपने सिर्फ 25% लीवर पर जिंदा हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, और इस बात का खुलेआम जिक्र किया था अमिताभ बच्चन ने। इस खबर से हमारा मकसद किसी भी फैन को चिंता में डालना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी तरह ही हम भी इस सुपरस्टार की सेहत को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद है। ये बात तब की है जब फिल्म कुली की शूटिंग के वक्त अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। जब उन्हें खून की जरूरत थी तब 200 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर उनके लिए अपना खून डोनेट किया था, लेकिन इन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके खून में खतरनाक हेपेटाइटिस बी का वायरस था, और इसी वायरस ने अमिताभ बच्चन के शरीर में जाकर उनके लिवर को बुरी तरह से घायल कर दिया। जब तक डॉक्टरों को इस बात का पता चल पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी और अमिताभ बच्चन का 75% लीवर ऑलरेडी खराब हो चुका था। लेकिन ये शायद उनके फैंस की ही दुआ थी जिसने उन्हें मौत के मुंह से खींच निकाला, और आज सिर्फ 25% लीवर फंक्शनिंग पर सर्वाइव करने के बावजूद अमिताभ बच्चन हम सभी के बीच मौजूद हैं और हमारे लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन है। ये पूरा वाकया तब सामने आया था जब अमिताभ बच्चन को यूनिसेफ के हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का एम्बेसडर चुना गया था। द बॉलीवुड चैनल भी इस सुपरस्टार की अच्छी सेहत की कामना करता है। आपको क्या कहना है कमेंट कीजिए, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।